रिवोल्यूशनरीज, तो जो समाज के चिंतन करने वाले लोग हैं उनका काम है कि वो आपको रास्ता दिखाएं, वो चिंगारी जलाएं और आग आपको फैलानी है। मैं आपको दिल्ली विश्वविद्यालय का केस देता हूं, सीधा सा मामला बेईमानी और ईमानदारी का है। आप समाज कैसे बनाना चाहते हैं? मैं जाति में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन मैं जाति से अहिर हूं और सर ने नहीं बताया, मैं बता रहा हूं। मुझे उसको बताने में ये साफ साफ इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि जाति से ही जाति को खत्म किया जाएगा और फिर जाति ही समाज बनाया जाएगा, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है। लोहे को अगर लकड़ी से काटेंगे कभी नहीं कटेगा, लोहे को लोहे से ही काटना होगा। लंबा लेकिन सबसे जरूरी उसमें काम है, तो बताता हूँ, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में केस आपके सामने रखता हूँ, आप इसको इसको प्रोपेगेट करिए, फैलाइए इस नैरेटिव को। इस नैरेटिव क्या है, ये हकीकत है। आप देखिए रोस्टर पे तमाम तरह के लोग डायग्राम बना रहे हैं, लाइनें खींच रहे हैं, तमाम तरह की चीजें बता रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि 60 साल का मामला है। ओबीसी का रिजर्वेशन अगर मैं लूं तो वो आया 2007 में। अगर एससी एसटी का रिजर्वेशन की बात करें तो 1997 में लगा, लेकिन आपको मैं बताऊं आपका जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये मैं धन्यवाद देता हूँ बीजेपी को कि उसने आपको जगाने के लिए एक इशारा किया है। अगर हम नहीं जागते हैं तो ये हमारी समस्या, हम कभी नहीं जागेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब आप सीधा सा मामला देखिए, 2007 में रिजर्वेशन लगा, 2019 चल रहा है और दिल्ली विश्वविद्यालय ने उसको अडॉप्ट किया 2013 में। 7 से 6 साल के अंदर जो शॉर्टफॉल की सीटें हैं, करीब करीब 600 से 700 कह रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि 800 सीटें भी हैं ओबीसी की, जो जिसका नुकसान हो रहा। तो मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि इस ये आपका नुकसान है, कोई भी मेरा डीएम बन जाना, मेरा मुख्यमंत्री बन जाना, मेरा गवर्नर बन जाना, प्रोफेसर बन जाना किसी काम का नहीं है। अगर समाज जो है ना वो कम से कम आदमी इंसानियत वाला समाज नहीं बनता है। तो ये जो हिस्सा दिया गया था 50% वो इसलिए दिया गया था क्योंकि नीचे के लोग हैं वो ऊपर आए और बराबरी से समाज में डिग्निटी सबको मिले, डिग्निटी से सभी जी पाए। तो ये छोटी सी बात है, रिजर्वेशन वाली, बहुत सारा समय नहीं ले सकता, बहुत सारे लोग आ गए हैं। धन्यवाद।